ओम श्री हनुमते नमः। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे सितंबर राशिफल के बारे में, यानी माह सितंबर 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभ शुभ प्रभाव घटित होंगे। मित्रों एक नजर ग्रह गोचर प्रणाली लेते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके कन्या राशि में रहेंगे, बुध आपके सिंह राशि में संचार कर रहे हैं, गुरु आपके मेष राशि में रहेंगे, शुक्र आपके सिंह राशि में संचार कर रहे हैं, शनि आपके कुंभ में रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और राहु मेष में केतु तुला राशि में। इस माह में 17 सितंबर तक बुध आदित्य योग भी बनेगा और 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मंगल सूर्य अंगारक दोष भी बनेगा, तो इसकी भी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, चंद्र राशि नहीं मालूम है परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर रहे हैं आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। पूरी जानकारी देंगे आपको क्रम से, आपका स्वास्थ्य आपकी हेल्थ आपका फैमिली फाइनेंस इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी लग्जरी लाइफ आपकी घर की लाइफ आपका संतान सुख विद्या एजुकेशन तरक्की उन्नति शत्रु ऋण और रोग की स्थिति आपका दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध लंबी दूरी की विदेशों की यात्राएं तरक्की उन्नति करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी जानकारी देंगे। कट टू कट बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहें मित्रों। अंत में थोड़े छोटे छोटे महत्वपूर्ण उपाय आपको बताते हैं जिसको श्रद्धापूर्वक करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। देखिए मित्रों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए माह सितंबर 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव घटित होंगे। माह सितंबर 2023 सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां पर जो आपकी स्थिति बन रही है अच्छी स्थिति है। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली इच्छा शक्ति व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का आपका डेवलपमेंट होगा, पर्सनैलिटी निखर कर उभर कर सामने आएगी, आध्यात्मिकता का भाव आपका बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ चैरिटी आप करेंगे भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन परिवार में पारिवारिक दृष्टि से अगर बात करें तो यहां पर थोड़ा कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद कोई डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद क्रिएट हो सकता है। अगर इस किस्म की स्थिति क्रिएट हो तो आपको मेरी सलाह है कि अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, अपनी बोलचाल ठीक रखें, अपनी लैंग्वेज ठीक रखें, नहीं तो परिवार के बीच में आपका माहौल खराब हो सकता है, आपकी स्थिति खराब हो सकती है। भविष्य के लिए फिलहाल कोई निवेश मत करें वरना लाभ की बजाय नुकसान होगा, और परिवार वालों के पीछे कोई वेस्ट एक्सपेंडिचर कोई पैसे का व्यर्थ नुकसान या जमा धन को उस बैंक बैलेंस में आपके यहाँ पर कमी आ सकती है। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं वहां से आपको लाभ गेन करेंगे, नए संबंध नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे या नेम फेम बढ़ेगा तो आपको पॉपुलरिटी मिलेगी प्रसिद्धि मिलेगी, और जो भी नकारात्मक सोच चल रही थी सकारात्मक सोच में आपके बदल जाएगी। छोटे भाई बहन मित्र वर्ग सहकर्मी पड़ोसी मिलने जुलने वाले लोग उनसे नए संबंध स्थापित होंगे और उनसे भी लाभ गेन करेंगे, अच्छी स्थिति है शुभ स्थिति है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, अब तक योजना बना रहे थे प्रयासरत थे आपको सफलता नहीं मिल रही थी उसमें रुकावटें व्यवधान आ रहे थे, अब आप प्रयास कीजिए निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कोई मकान की प्राप्ति हो सकती है, वाहन या किसी भूमि संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जो वाद विवाद थे वे दूर होंगे। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, सुख शांति का माहौल व्यतीत होगा, आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपका संतान का लाभ आपको मिलेगा और आपको अपनी माता जी की जो ब्लेसिंग आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, तो यहाँ पर शुभ स्थिति है अच्छी स्थिति है। तो अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए, आपको जरूर यहाँ पर कोई संपत्ति कोई प्रॉपर्टी कोई मकान की या वाहन की आपको प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थिति थोड़ी सी ठीक है, थोड़े कंफ्यूजन थोड़े डिफरेंसेस तो थोड़े आएंगे, थोड़ी एकाग्रता के भाव में कमी आ सकती है, लेकिन आप एकाग्र होकर अपना प्रयास जारी रखें। कोई मास्टर्स करना है कोई डिग्री करनी है कोई कोर्स करना है आप प्रयासरत रहिए, निश्चित रूप से कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान पक्ष को लेकर खुशखबरी कोई गुड न्यूज़, उनके विवाह शादी के संबंध उनकी हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी या नौकरी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम थी वहाँ सबसे बाहर आएंगे, आपको संतुष्टि मिलेगी, ओवरऑल संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, जो मनफेड डिफरेंसेस से आपके दूर होंगे। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा,
साथ में बड़े धन की भी बीच बीच में प्राप्ति हो सकती है। कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहां से भी आपको राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, पति पत्नी के मतभेद डिफरेंसेस दूर होंगे और एक दूसरे के संबंधों पर गाढ़ता मजबूती आएगी। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे या संतुष्टि के भाव में कमी आ रही थी, तो संतुष्टि का भाव उत्पन्न होगा और आप सारी टेंशनों से बाहर आएंगे। संबंध आपके प्रगाढ़ बनेंगे, मजबूत बनेंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग गेन करेंगे। नए विवाह शादी के संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे विवाह शादी में बदल सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और यहाँ पर आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा। विदेशों की यात्राएं आपके संपन्न होंगे, जो व्यवधान रुकावटें आ रही थी दूर होंगे। प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। विदेशों की यात्राओं से लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। कोई धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः हो सकती हैं, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा और भाग्य आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट करेगा कि उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा प्रयास, थोड़ी मेहनत, थोड़े एफर्ट्स करने की आपको जरूरत है। करियर व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ओवरऑल ठीक रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। कोई चेंजेस, कोई बदलाव लाना चाहें तो आप ला सकते हैं नौकरी में, बिजनेस में। जितना प्रयास मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग शुभ फलों की प्राप्ति होगी, स्थिरता मिलेगी और आप लाभ गेन करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, एक स्रोत बने हुए, कोई रुकावटें व्यवधान आ रही थी दूर होंगे। बड़े धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहन मित्र वर्ग एज में, अगर आप मेल हैं तो फीमेल वर्ग से, फीमेल है तो मेल वर्ग की तरफ से आपको बड़े धन की प्राप्ति को लाभ बेनिफिट सहयोग जरूर प्राप्त होगा। शत्रुओं का आपका दमन होगा, आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। आपका विदेशों से कोई आपका कार्य, विदेशों में कार्य करने तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों से कोई संबंध, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या कोई अन्य कार्य आप करते हैं तो नए संबंध, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुकावा धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहां से भी राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, यह बात ध्यान देने योग्य है क्योंकि हम जो फलादेश करते हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। इससे आपको आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली हमारे पास नहीं होती, और जो लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है आपकी, उसका विशेष महत्व होता है, सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। वह आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है और इस जन्म का मिरर है, आईना है, दर्पण है आपका, इस जन्म का आपका आधार है। दोनों चीजें टैली होती हैं, दोनों चीजों का एनालिसिस होता है, तभी शत प्रतिशत परिणाम सामने आते हैं, सारी स्थिति स्पष्ट होती है। अगर धनु राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा, अंतरदशा आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में चल रही है, मजबूत स्थिति में, तब संभवतः आप मान के चलिए यह सितंबर का महीना आपके लिए काफी लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा, अंतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः ग्रहों के थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और कठिनाइयां, परेशानियां आपके सामने उत्पन्न हो सकती हैं। तो मित्रों, एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं और विश्लेषण कराने के साथ साथ आप सीधा एक सिंपल एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। शुद्ध सात्विक भोजन मंगलवार को करें, हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं या गुड़ से बना नैवेद्य चढ़ाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं और काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो श्रद्धा विश्वास के साथ किया गया यह उपाय आपको ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाएगा और आपको शुभत्व प्रदान होगा और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।